हाय फ्रेंड्स, एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 की इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन यानी बल तथा गति के नियम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का सेट दिया गया है और उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास है, ऊर्जा का नियम, आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम और संवेग का नियम। तो देखिए, न्यूटन के गति के प्रथम नियम बताती है कि अगर कोई वस्तु विराम की स्थिति में है या फिर एक सरल रेखा में एक समान गति की स्थिति में है तो वह अपनी स्थिति को कायम रखेगा जब तक कि कोई बाहरी बल उसमें न लगाया जाए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम जड़त्व के गुण को दर्शाती है, इसीलिए न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन हमारे पास है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्यूब और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बल का एसआई मात्रक हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि बल का जो फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम ए होता है और एम जो है ये है द्रव्यमान और ए जो है वह है त्वरण यानी एक्सीलरेशन। तो चूंकि द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है और त्वरण यानी ए का जो एसआई मात्रक है वह है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यानी बल का जो एसआई मात्रक होगा वह होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सही जवाब होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए, बल का जो मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका दूसरा नाम भी है, वह है न्यूटन। यानी बल का एसआई मात्रक न्यूटन है और उसको अगर हम तोड़ के लिखना चाहेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को खींचने, धकेलने या ठोकर लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है, ऊर्जा, बल, कार्य और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर हम बल की परिभाषा को याद करेंगे तो बल किससे कहते हैं? न किसी वस्तु को खींचने, ढकेलने या ठोकर लगाने की क्रिया को हम बल कहते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो। यह है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, गति के प्रथम नियम से हम क्या जानते हैं कि कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में बनी हुई रहेगी और अगर एक समान गति में है, किसी सरल रेखा पर एक समान गति में है, तो वह एक समान गति की स्थिति को कायम रखेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। तो यानी ये तथ्य हमको कहां से मिलता है? ये मिलता है गति के प्रथम नियम से, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा गति का प्रथम नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह विराम या सीधी रेखा में एक समान गति की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है? ऑप्शंस दिया हुआ है, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व, गतिहीनता या अक्रियता। तो देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु का यह गुण होता है कि अगर वह विराम की स्थिति में है या फिर सीधी रेखा में एक समान गति की स्थिति में है तो वह अपनी स्थिति को कायम रखना चाहता है, अपनी स्थिति में किसी भी प्रकार की परिवर्तन का वह विरोध करती है। तो इस गुण को हम जड़त्व के नाम से जानते हैं जिसे इंग्लिश में इनर्शिया कहा जाता है, इसलिए सही जवाब होगा जड़त्व। अगला क्वेश्चन है, चलती हुई बस के अचानक रुक जाने से यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, इसकी व्याख्या कौन सा नियम करता है? देखिए, यह हमारे डेली लाइफ का एक्सपीरियंस है कि अगर हम बस पर चलते हैं और बस अचानक रुक जाती है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये जो परिघटना है इसकी व्याख्या कौन सा नियम करता है ये हमें बताना है। तो चूंकि गति का प्रथम नियम जो है उसमें क्या बताया जाता है कि अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है या फिर
एक समान गति की अवस्था में है तो वह अपनी स्थिति को कायम रखेगा तब तक जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। तो जब कोई व्यक्ति बस पर सवार रहता है और बस के साथ वह गतिशील अवस्था में रहता है तो बस और व्यक्ति दोनों गति की स्थिति में बना रहता है, लेकिन ब्रेक लगाने के कारण जब बस अचानक रुक जाती है तो व्यक्ति अपनी गति की स्थिति को बनाए हुए रखना चाहती है और इसी के कारण व्यक्ति जो है वह आगे की ओर झुक जाती है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इस परिघटना का जो व्याख्या है वह गति का प्रथम नियम करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। कौन सा ऐसा भौतिक राशि है जो किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है? तो देखिए, हम जानते हैं कि जड़त्व क्या है। जड़त्व एक ऐसा गुण है जिस गुण के कारण कोई वस्तु अपनी विराम की अवस्था या फिर एक समान गति की अवस्था में होने वाली किसी भी प्रकार की परिवर्तन का विरोध करती है। तो किसी वस्तु का जड़त्व अधिक होगा अगर उसकी द्रव्यमान अधिक हो, और अगर द्रव्यमान कम हो तो जड़त्व भी कम होगी। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि किसी वस्तु के जड़त्व की जो माप होती है वह उसकी द्रव्यमान होती है। द्रव्यमान को ही जड़त्व की माप कहा जाता है। चूंकि जड़त्व को आप समझ गए होंगे इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है? ऑप्शन है कार, साइकिल, रेलगाड़ी या बस। इसमें आपको बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से किसका जड़त्व यानी इनर्शिया सबसे अधिक है। तो चूंकि हम जानते हैं कि जिसका द्रव्यमान अधिक है उसका जड़त्व भी अधिक है, तो निसंदेह इस क्वेश्चन का जवाब होगा रेलगाड़ी। यानी रेलगाड़ी का जड़त्व बाकी तीन चीजों से अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? ऑप्शंस दिया हुआ है आवेग, संवेग, बल और दाब। तो चूंकि हम जानते हैं कि संवेग का जो फॉर्मूला होता है पी, यानी पी इज इक्वल टू होता है एम वी, यानी संवेग जो है वह द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। तो यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा ना, संवेग। यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन में आपको बताना है संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शंस दिया हुआ है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्यूब और इनमें से कोई नहीं। तो संवेग का एसआई मात्रक अगर हमको पता नहीं है तो हम इसको निकालेंगे कैसे? चूंकि हम जानते हैं कि संवेग का जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम वी। अब एम यानी द्रव्यमान और वी जो है वह है वेग। तो एम का जो एसआई मात्रक है वह होगा किलोग्राम और वी का जो एसआई मात्रक है वह है मीटर पर सेकंड। यानी संवेग का एसआई मात्रक होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं, इसकी व्याख्या कौन सा नियम करता है? तो देखिए, यह हमारा डेली लाइफ का एक्सपीरियंस है कि अगर हम किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाते हैं तो उसमें से कुछ पत्तियां आसानी से झड़ जाती हैं। तो इस परिघटना की व्याख्या कौन सा नियम करता है ये हमें बताना है। तो चूंकि जब पेड़ की शाखा स्थिर अवस्था में रहती है तो उस टाइम शाखा और पत्ती दोनों स्थिर अवस्था में रहती हैं, लेकिन जैसे ही उसकी शाखा को हिलाना शुरू किया जाता है तो शाखा गति की अवस्था में आ जाती हैं, लेकिन पत्तियां जो हैं वह विराम की अवस्था में रहना चाहती हैं। तो इसीलिए कुछ पत्तियां जो कमजोरी के साथ जुड़ी हुई रहती हैं वह विराम की अवस्था में रहने की टेंडेंसी के कारण वह शाखा से अलग हो जाती हैं। तो ये जो परिघटना है इसकी व्याख्या गति का प्रथम नियम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है संवेग, त्वरण, आवेग और इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाय t, यानी त्वरण जो है इसके लिए क्या फॉर्मूला है v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है v माइनस यू डिवाइडेड बाय t ये क्या है ने, ये वेग में परिवर्तन की दर है। यानी वेग में परिवर्तन की दर क्या है ना, वह त्वरण है। तो सही जवाब क्या होगा
न त्वरण। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन हमारे पास है मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इनमें से कोई नहीं। तो त्वरण का जो एसआई मात्रक है वह है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एम ए। तो हमें बताना है कि F इज इक्वल टू एम ए का जो समीकरण है ये किस गति नियम से प्राप्त होती है। ऑप्शन है गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम और इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि F इज इक्वल टू एम ए का जो समीकरण होती है ये हमें गति के द्वितीय नियम से प्राप्त होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि गति के द्वितीय नियम से ये समीकरण हम कैसे डिराइव करते हैं तो हमारे चैनल पर एक वीडियो दिया हुआ है मोशन चैप्टर का, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। वहां पर जाकर आप देख सकते हैं कि गति के द्वितीय नियम से हम F इज इक्वल टू एम ए का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कोई नया नहीं है, जितना हमने डिस्कस किया उसी में से ये क्वेश्चन आता है, बस इस क्वेश्चन को पूछने का अंदाज नया है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि बल को कौन सा नियम है जो बल को परिभाषित करता है। चूंकि हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए और इसी इक्वेशन से हम बल को परिभाषित करते हैं। अगर कहा जाए कि एक न्यूटन बल किससे कहते हैं तो हमारा जवाब होगा कि कोई एक किलोग्राम की वस्तु में जो बल एक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे उसी को हम एक न्यूटन बल कहेंगे। यानी कहने का मतलब बल को परिभाषित करने के लिए हम F इज इक्वल टू एम ए समीकरण का सहारा लेते हैं। और F इज इक्वल टू एम ए का जो समीकरण है ये कौन सा गति नियम से आती है? नहीं, ये आती है द्वितीय गति नियम से। इसीलिए बल को परिभाषित कौन सा नियम करता है? द्वितीय गति नियम परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तो हमें बताना है कि ये जो कथन है ये कौन से गति नियम का कथन है। ऑप्शन हमारे पास है न्यूटन के प्रथम गति नियम, न्यूटन के द्वितीय गति नियम, न्यूटन के तृतीय गति नियम और संवेग संरक्षण का नियम। तो चूंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है ये कथन होता है न्यूटन के तृतीय गति नियम का। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। एम द्रव्यमान की वस्तु वी वेग से गतिशील है, वस्तु का संवेग क्या होगा? ऑप्शन है एम वी स्क्वायर, एम वी का होल स्क्वायर, एम वी या फिर हाफ एम वी स्क्वायर। तो चूंकि हमें बताना है कि वस्तु का संवेग क्या होगा तो संवेग का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम वी, यानी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं, यानी सही जवाब होगा एम वी। अगला क्वेश्चन है दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तित रहती है, यह कौन सा नियम का स्टेटमेंट है? यह हमें बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है गति का प्रथम नियम, संवेग संरक्षण का नियम, गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम। तो देखिए कोई भी वस्तु जब टकराती है तो टकराने से पहले और टकराने के बाद उसकी जो कुल संवेग होती है वह अपरिवर्तित रहती है, यानी संवेग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट, ये कथन जो है कौन सा नियम का है ये हमें बताना है। तो इससे हम कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम, यानी संवेग संरक्षण का नियम ये बताती है कि कोई भी वस्तु टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों वस्तुओं का कुल संवेग जो है वह अपरिवर्तित रहती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होगी और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। और फ्रेंड्स अगर इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय।